अयोध्या जनपद किरदौली विधानसभा में विकास कार्यों को जानने के लिए हमारे संवाददाता विनय मिश्रा ने विधानसभा क्षेत्र का जायजा लिया, जहां रदौली से उमापुर मार्ग की हालत काफी खराब हो चुकी है। जगह जगह गड्ढे युक्त सड़कें मिली, वहीं पारा पहाड़पुर गांव की जनता से बातचीत की और इस बार रदौली विधानसभा का विधायक कौन होगा इस पर चर्चा की है। देखिए इस ग्राउंड रिपोर्ट में। तो मिशन 2022 के तहत जो है साधना न्यूज की टीम इस समय अयोध्या जनपद के रदौली के विधानसभा के पारा पहाड़पुर में है और 5 सालों में विजय विधायक द्वारा क्या विकास कार्य किया गया है उसको जानने का भी आप प्रयास करेगी और हमारे साथ यहाँ पारापुर के ग्रामीण भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि यहाँ की ये विकास कार्यों को लेकर के आप क्या कहेंगे। विकास कार्य तो यहाँ पे जीरो हो गया, विकास की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। 10 साल से कुशासन और सुशासन की कोई बात ही नहीं है। हर तरफ व्यवस्था का बोलबाला है, खेत में किसान मर रहा है। तो सबसे बड़ी विकास की बातें होती है भैया की बिजली पानी सड़क। आप रदौली होके पारा तक आए होंगे, देखे होंगे कि सड़क की क्या हाल है। मेन रोड हमारा जो भगनगर से रदौली का है उस पर 4-व्हीलर गाड़ियां आप निकलने में कितनी दिक्कत, आप देखे होंगे पूरी सड़क धस गई है। बरसात में लोग गिर जाते हैं उस पर, कितने लोगों को चोट लगी भी, परसों एक लोगों को एक्सीडेंट हुआ उसको। ये विकास भी है। तो इस बार रदौली का विधायक कौन होगा? रुसदी मियां होंगे, राजा साहब। आप पे आपने देखा सुशील शर्मा का साफ तौर पर कहना है कि विकास मुद्दे को अगर बात की जाए तो रदौली में सड़कों की स्थिति काफी दयनीय है, जिसकी वजह से लोग जो है वोट देना नहीं पसंद कर रहे हैं और भी कुछ लोगों उनसे हम बात करते हैं, क्या कहेंगे? तो कहना क्या है इसमें, यही कि जैसे हमारे आदरणीय भैया जी ने अभी हमसे बताया कि विकास के मुद्दे पे सड़क पानी उस पे, तो हम उस पे बोलना चाहते हैं कि 25 साल जो है हमारे ग्राम सभा पारा पहाड़पुर की 25 साल की सड़क पड़ी हुई थी, बड़े बड़े बजड़े पड़े हुए थे, उसको माननीय विधायक रामचंद्र जी ने 56,33,000 रुपए के उससे जो है सीसी 700 मीटर की सीसी रोड बनवाई। पानी के मुद्दे पे पानी पेयजल जल नमामि गंगे के अंतर्गत जो है 3,39,00,000 रुपए का प्रोजेक्ट हमारा जल जीवन मिशन में जो है प्रस्तावित था, उसमें कार्य चालू हो गया है, कार्य प्रारंभ हो गया है, आदर्श आचार संहिता की वजह से कार्य जो है रुक गया था। और जो सड़क की बात करें तो भगत नगर से वो सड़क भी हमारी प्रस्तावित है, उसका टेंडर भी हो गया, शुक्ला जी को टेंडर मिला है, जे हिसाब से अभी आप तुरंत बात कर ले, हमारे पास प्रूफ है, 39,00,000 रुपए उसका जो है स्वीकृत हो चुका है, 120 मीटर सीसी भी स्वीकृत है हमारे यहाँ, तो विकास तो हुआ ही हमारे यहाँ प्रॉपर। पारा पहाड़पुर में 8 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट है माननीय विधायक जी की निधि से, पूरे विधानसभा रदौली का विधानसभा में विकास के कार्य, विकास के नाम पे जीरो है, कुछ नहीं है जी। भाई साहब तो कह रहे हैं बहुत विकास हुआ, ये खाली झूठ बोल रहे हैं। कहाँ गंगा दिखाई है? तो ये तो आचार संहिता में बता रहे हैं कि आ गई सब कुछ, पानी की टंकी कहाँ है, कौन सा दिखाए हमें? नहीं कह रहे यार, पारा पहाड़पुर में 56 लाख की लागत से सीसी रोड बनी है जी। मेरी समस्या नहीं बनी है साहब, क्या बात करें, प्रूफ सामने ही, सीसी रोड सामने ही है सर, बोर्ड लगा है वहाँ पे, लीजिए मैं बोर्ड दिखा, पहले पैसे हो गया था, मैं बोर्ड दिखा दे रहा हूँ, मैं बोर्ड, सीसी सड़क बनी है, लेकिन हम विधायक चुनते हैं एक गांव के विकास के लिए नहीं, सरकार बनाते हैं, हम क्षेत्र के विकास के लिए बनाते हैं। एक सीसी सड़क 10 साल पहले बनी है, ये जो उद्घाटन बता रहे हैं क्या 10 साल बाद होंगे? विधायक जी का कार्यकाल 10 साल, क्या वजह? टिकट काट दिया 10 साल उसमें था, जो है समाजवादी में थे, जो है आपके बाद टिकट कट गया, तो हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि रदौली से हम लोग जो है इनको जो है जिता के भेजना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि जनता का साफ तौर पर कहना है कुछ लोगों जो है रामचंद्र के विकास कार्यों से खुश भी नजर आ रहे हैं, वजह है कि जगह जगह विकास भी किया गया है, चाहे सीसी रोड हो चाहे विद्यालय हो, और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि विधायक द्वारा जो है 10 सालों में क्या विकास कार्य किया गया जी। रामचंद्र यादव के बारे में विकास कार्य पूछने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। उत्तर प्रदेश के मैं किसी मंत्री को चैलेंज कर सकता हूँ, भारत सरकार के किसी मंत्री को चैलेंज कर सकता हूँ, रदौली में कुछ था ही नहीं 2012 के पहले, यहाँ कुछ नहीं था, 12 के बाद की उपलब्धि बताता हूँ, तथ्य सुधा बताऊंगा, मतलब ये नहीं कि उसमें हाँ रिकॉर्ड ना हो, जिसकी मर्जी है विधानसभा कार्रवाई निकला ले और जिसकी मर्जी है जो, साफ साफ बात है। जब मैं रामचंद्र विधायक यहाँ आए रदौली से इन्होना मार्ग पे, इतना तड़ा गड्ढा था आदमी चलने को दूर था। प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत 120 किलोमीटर प्रधानमंत्री के साथ रदौली विधानसभा में नंबर एक कह रहे पूरे गड्ढे नहीं, नहीं अब गड्ढे कहने के लिए तो रसगुल्ला खाने लगे, और कहीं करूँ लगे तो कहा मत जवान चल गयो, अरे हमने हम खाए रसगुल्ला और लागे थे मीट और लागे करूँ हम कहते करूँ लागत है कहा मत जवान चटियो जवाब जवान से देखो। दूसरी एक चीज, सबसे बड़ा पूरे भारत में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का जो निर्माण करवा रहे हैं पूरे भारत, साफ तौर पर कहना है विकास कार्यों की बात की जाए तो विकास कार्य बहुत भी हुआ है, जिसकी वजह से जनता यहाँ खुद भी नजर आ रही है और भी कुछ लोगों उनसे बात करते हैं, क्या नाम बताएं? सर मेरा नाम विश्वनाथ मौर्य है, यहाँ पर जो है कि रुसदी मियाँ का जो है सीट आगे निकलेगी, और यहाँ पर महंगाई है जो कि पेट्रोल ये इतना आसमान छू लिया है, डीजल भी आसमान छू रहा है,
एक तो स्कूल कॉलेज भी बंद रहते हैं, रोड भी सही नहीं है, एक तो नौकरी का खजाना भी नहीं खोल रहे हैं, तो कौन देगा उन्हें वोट? महंगाई है, चरचरा रही है। विकास क्या? विकास हमारे देखने में ये केवल RCC हुई है, और हमारे देखने में विकास कुछ नहीं हुआ है। फ्री गैस दिए हैं जो कि 1000 रुपए हो गया, 400 रुपए के जगह पे 1000 रुपए हो रहा है गैस का भराई। इस बार रुदौली का विधायक कौन? रुजदी मियां निकलेंगे सर। तो टक्कर किसकी है? टक्कर बस रामचंद्र से और रुजदी मियां से, और किसी का नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जनता का साफ तौर पर कहना है विकास कार्यों के लेकर के ही ये लोग वोट करेंगे। अब ये देखने वाला होगा कि 27 फरवरी को वोट किसके पक्ष में जाता है, किसके पक्ष में नहीं जाता है, और रुदौली का विधायक कौन होगा। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम पड़ता है सर? राम प्रकाश मिश्रा। क्या कहेंगे विकास कार्यों को लेकर? हमारा कहना ये है कि गरीब आदमी को कभी नहीं देखते हैं, अमीर अमीर को कौन देखते हैं, बड़े आदमियों को देखते हैं। कौन? अमीर रामचंद्र यादव। कहेंगे रुदौली विधानसभा का विधायक कौन होगा? सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद देता हूँ। ग्राम पंचायत पारा पहाड़पुर में आपका स्वागत है। यहाँ पे विकास कार्य कोई भी नहीं हुआ है। जो लोग बता रहे हैं कि 10 सालों में इन्होंने छलावा किया है जनता के साथ में, इन्होंने जनता के साथ में क्या क्या किया है वो जनता आपको बता ही चुकी है। सबसे पहले तो इन्होंने, हम लोग विकास के मुद्दे पर बात करेंगे। किसान इतना परेशान है कि शाम को खाना खाता है अपने घर पे, रात में सोता अपने खेत में है। ये हालात हैं। आय दुगनी कर रहे हैं? आय तो दुगनी कहाँ रह गई? किसान की हालत कितनी खराब होगी, बाकी अब लोग किसान से पूछे ही, किसान की आय दुगनी बिल्कुल खत्म हो गई है। इस बार किस मुद्दे को लेकर के आप लोग वोट? हम लोग विकास के, शिक्षा, हम लोग उस पे वोट करेंगे। विधायक इस बार किसको चुनना? हम लोग सैयद अब्बास अली जैदी रुजदी में। क्या नाम? शहीद अहमद, पूर्व प्रधान पारा पहाड़पुर। यहाँ पे आपने देखा कि लोगों को साफ तौर पर कहना है, कुछ लोग जो है भाजपा के कार्यों से खुश भी हैं, कुछ असंतुष्ट भी हैं। इस बार विधायक जो है बदलने के उसमें है कि कुछ लोग जो है बसपा की ओर मूव कर रहे हैं और कुछ सपा की ओर कर रहे हैं, लेकिन अब देखने वाला होगा कि 27 फरवरी को वोट किसके पक्ष में जाता है। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, साधना न्यूज, अयोध्या।